तो आज का टॉपिक है हमारा स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। पिछले लेक्चर में हमने स्पीड ऑफ ट्रांसवर्सल वेव के बारे में पढ़ा था कि ट्रांसवर्सल वेव की स्पीड सॉलिड में कैसे निकालते हैं और ट्रांसवर्सल वेव की स्पीड रोप्स में कैसे निकालते हैं, स्ट्रिंग्स में कैसे निकालते हैं। आज बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव की बच्चों। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको पता है फ्लूइड्स में भी ट्रेवल करती है और सॉलिड्स में भी ट्रेवल करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड्स की बच्चों। तो फ्लूइड्स में लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो वेलोसिटी होती है दैट इज गिवन बाय बल्क मॉडुलस के बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स। ये आप बाय डायमेंशन एनालिसिस सॉल्व कर सकते हो, पर हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप सीधा फॉर्मूला याद रखोगे के यहां पे क्या है बच्चों, बल्क मॉडुलस, और रो यहां पे क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है बच्चों, मतलब लिक्विड के लिए भी यही यूज होगा, गैसेस के लिए भी यही यूज होगा। गैसेस में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आगे आएगी, वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं सॉलिड्स की बच्चों। तो सॉलिड्स में क्या चेंज आ जाएगा, सॉलिड्स में यहां बल्क मॉडुलस की जगह कौन आ जाएगा, यंग मॉडुलस आ जाएगा। तो वहां पे वाई बाय रो, वेयर वाई इज यंग मॉडुलस। ठीक है, तो इतना चेंज आना है, बाकी सब कुछ नीचे क्या है, सेम है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना लॉन्गिट्यूडनल वेव में ज्यादातर क्वेश्चन कौन से होंगे आपके, साउंड के ही होंगे। ठीक है, तो साउंड का क्वेश्चन आया, फ्लूइड्स में ट्रेवल कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर सॉलिड में ट्रेवल कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है आपका स्पीड ऑफ साउंड न्यूटन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन एयर। ये एयर के लिए स्पेशल फॉर्मूले है। ठीक है, कि एयर में स्पीड ऑफ साउंड कैसे निकले। तो सबसे पहले न्यूटन आया, न्यूटन ने अपना कंसेप्ट दिया। न्यूटन के अकॉर्डिंग बच्चों जो साउंड है, साउंड ट्रेवल थ्रू एयर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। इसके अकॉर्डिंग जो एयर है ना, वो अपने एयर, जो हमारी साउंड है वो एयर में आइसोथर्मल कंडीशन में ट्रेवल करती है। मतलब टेम्परेचर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। इसका क्या कहना है, इसका कहना है देखो, साउंड जब ट्रेवल करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव जब ट्रेवल करती है, तो आपको पता है ना ऐसे क्या होता है, कंप्रेशन, फिर क्या आता है, रेयरफैक्शन, फिर क्या आती है, कंप्रेशन, देन क्या आता है, रेयरफैक्शन। पढ़ाया था ना ये आपको स्टार्टिंग में। तो रेयर कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, वो क्या बोलता है कि कंप्रेशन टाइम पार्टिकल पास आते हैं तो हीट जनरेट होती है, वो हीट किधर चले जाती है, रेयरफैक्शन में चले जाती है, क्योंकि रेयरफैक्शन में पार्टिकल दूर हो जाते हैं, वहां कूल हो जाती है, वहां पे ये वाली जो हमारी हीट है वो चले जाती है, और टेम्परेचर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। उसका ये कहना, दोबारा सुनो, न्यूटन का कहना था कंप्रेशन वाली साइड से हीट निकल जाती है क्योंकि वो गर्म हो जाते हैं, और किधर चले जाते हैं, रेयरफैक्शन की साइड चले जाते हैं जो ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि वहां पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं। तो ओवरऑल पूरी साउंड वेव जो है वो कैसी कंडीशन में ट्रेवल कर रही है, आइसोथर्मल में, टेम्परेचर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बना, अब देखो फॉर्मूला तो वही है, वेलोसिटी जो है एयर में ट्रेवल अगर कर रही है तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है साउंड की, दैट इज बीटा बाय बीटा लिख दो या के लिख दो, बल्क मॉडुलस को के भी लिख सकते हैं, बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बीटा बाय रो या के बाय। ठीक है, अब के क्या था या बीटा क्या था, फॉर्मूला अगर याद हो, बल्क मॉडुलस क्या होता था, बल्क मॉडुलस होता था चेंज इन प्रेशर, नेगेटिव चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। याद है ना, सॉलिड में पढ़ाया था कि बल्क मॉडुलस इज क्या होता था, मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। बल्क मॉडुलस के केस में फोर्स अपॉन एरिया क्या बन जाता था, चेंज इन प्रेशर, नीचे चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता था, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता था प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। ठीक है, तो अब देखो यहां पे, अगर आइसोथर्मल कंडीशन में एयर ट्रेवल कर रही है तो आइसोथर्मल कंडीशन की इक्वेशन क्या थी, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये थी ना इक्वेशन बच्चों। अब यहां पे दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर, पी भी चेंज होगा, वी भी चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो यहां पे डिफरेंशिएट करते वक्त हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। तो पहले पी एस सच किसकी डिफरेंशिएशन होगी, वी की डिफरेंशिएशन होगी, उसके बाद क्या होगा, वी एस सच किसकी डिफरेंशिएशन, पी की डिफरेंशिएशन, इक्वल टू कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, जीरो होती है। यहां से देखिए, PdV is equal to minus VdP,
यहां से P की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वी डी पी बाय डी वी। क्या मैं इस पैसे लिख सकता हूं, माइनस डी पी बाय डी वी बाय वी लिख सकते हैं ना ऐसे। तो ये किसके इक्वल आ गया बच्चों, ये वाली टर्म किसके इक्वल आ गई, दिस इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, बी लिख दिया या के लिख दिया, आपकी विश। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में साउंड ट्रेवल कर रही है एयर में, तो यहां पे वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया, बीटा इज रिप्लेस्ड बाय प्रेशर, सो पी बाय डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी हम ऐसे लिखेंगे रोज। तो आइसोथर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रेशर बाय डेंसिटी का रूट करो तो हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर मिल जाएगी। अब देखते हैं, देखो एट एसटीपी कंडीशंस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे हमने यहां वैल्यूज को पुट किया। प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 1 एटमॉस्फेरिक। 1 एटमॉस्फेरिक का मतलब 1.013 × 10⁵ पास्कल। और एयर की डेंसिटी कितनी होती है बच्चों, एयर की डेंसिटी होती है 1.3। ठीक है, 1.3 kg/m³। जब आपने ये वैल्यू को यहां पे पुट किया, ये वेलोसिटी में ये वैल्यूज को पुट किया, पुट करने के बाद यहां पे कर देता हूं, पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आता है कैलकुलेट करने के बाद वो आता है 280 m/s बच्चों, 280 m/s इसका आंसर आता है। जबकि एक्सपेरिमेंटली साउंड की जो स्पीड होती है एयर में वो कितनी होती है, 330 m/s। ये तो बहुत कम है उससे, मतलब काफी डिविएशन आ रही है ना, 280 and 330, इतना डिविएशन तो चल ही नहीं सकता। तो एक्सपेक्ट आप यही लिखोगे यहां पे कि एक्सपेरिमेंटली स्पीड ऑफ साउंड इज 330 और ये जो है बहुत कम, इसका मतलब इस कंडीशन में कुछ गड़बड़, न्यूटन के फॉर्मूले में कुछ गड़बड़। तो इसको करेक्ट करने के लिए आया लैपलेस, लैपलेस ने करेक्शन दी। लैपलेस क्या बोला, लैपलेस ने बोला कि भी जो एयर है ना वो एडियाबेटिक कंडीशन में ट्रेवल करती है। वो कहता है ये हीट जो आप बोल रहे हो ना कि कंप्रेशन से रेयरफेक्शन में चले जाएगी, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, एक तो एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो एयर में से हीट इतनी जल्दी ट्रेवल करती नहीं है, और ऊपर से प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, तो फास्ट प्रोसेस में कौन सा प्रोसीजर आएगा, एडियाबेटिक। तो उसने ये बोला, अब अगर एडियाबेटिक है तो कहते इससे अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। तो एडियाबेटिक की कंडीशन क्या थी, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यहां डिफरेंशिएशन कर दो, यहां पे पी एस एच गामा आगे आ जाएगा, वी की डिफरेंशिएशन करने लगे हैं, गामा आगे, वी की पावर कितनी हो गई, गामा माइनस वन, उसके साथ साथ में क्या आ गया, डीवी, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो डीवी की वी की डिफरेंशिएशन दोबारा होगी, उसके बाद प्लस बी गामा एस एच, यहां किसकी डिफरेंशिएशन होगी, पी की, तो डीपी आ गया, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन कितनी हो गई, जीरो। अब देखो कॉमन क्या निकल रहा है, यहां है बी की पावर गामा माइनस वन, यहां है बी की पावर गामा, छोटी पावर कॉमन निकल जाएगी, तो वी की पावर गामा माइनस वन कॉमन निकल गया, यहां बचा गामा पी डीवी, प्लस कितनी पावर कॉमन निकली है, गामा माइनस वन, यहां पे कितनी पावर है, गामा, कितनी पावर ज्यादा है, यहां पे वन पावर ज्यादा है, तो अंदर सिर्फ कितनी पावर बच गई, वन पावर, साथ में क्या आ गया, डीपी इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, जीरो, ये उधर जाके जीरो हो जाएगा, बचा क्या आपके पास, गामा पी डीवी प्लस वी डीपी इक्वल टू जीरो। यहां से देखते हैं अब, गामा पी डीवी इज इक्वल टू माइनस वी डीपी, तो डीवी की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से गामा, सॉरी गामा पी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वी डी पी बाय पी, ये चीज आ गई या कुछ गड़बड़ हुई है, हाँ जी, डीवी नीचे आएगा, डीवी नीचे आएगा, ये चीज आ, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं यहां पे, फिर यही देखो ये क्या बन गया, इसको आप लिख सकते हो ना ऐसी, फिर माइनस डीपी बाय डीवी बाय बी, तो ये क्या बन गया अब आपका, फिर अगेन बल्क मॉडुलस बी या के। तो इस केस में जो आपका K आया वो किसके इक्वल है, गामा पी के। गामा क्या होता था हमारा, स्पेसिफिक हीट रेशियो। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी साउंड की है वो कैसे निकलेगी, क्या फॉर्मूला था, ऊपर बल्क मॉडुलस नीचे डेंसिटी, बल्क मॉडुलस की जगह आ गया गामा पी बाय रो, ये चीज आ गई बच्चों। अब वैल्यूज को पुट करके देखते हैं, अब पुट करें जब अगर वैल्यूज, तो यहां पे देखिए P की जगह वही एसटीपी कंडीशन लेते हैं, P की जगह आ गया 1 एटमॉस्फेरिक, दैट इज 1.013 × 10⁵, डेंसिटी कितनी थी 1.3, और गामा की वैल्यू बताइए, एयर की गामा की वैल्यू कितनी होती है,
तो गामा की वैल्यू आएगी 7/5, क्योंकि एयर जो है वो डायटोमिक गैस है, और आपको पता होना चाहिए, आप केटीजी में पढ़ के आते हो कि डायटोमिक गैस की गामा की वैल्यू कितनी होती है, 7/5। मोनोटोमिक की कितनी होती है, 5/3। ठीक है, तो डायटोमिक है 7/5 आएगा। अब जब आप ये सारी वैल्यूज को यहां पुट करोगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपकी साउंड की वेलोसिटी आएगी 331.3 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज नियर टू, वेरी नियर टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ साउंड, है ना। साउंड की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है, वेलोसिटी ऑफ साउंड की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के ये पास है। इसका मतलब कौन सा करेक्ट है, लैपलेस करेक्ट है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि साउंड किस कंडीशन में ट्रेवल करती है, तो एडियाबेटिक कंडीशन में ट्रेवल करती है। एंड व्हाट इज द न्यू फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, दिस इज दिस गामा पी बाय रो, एंड दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर द एयर। अगर लिक्विड आया तो उसके लिए आपके पास जनरल फॉर्मूला है, वो क्या फॉर्मूला था, ऊपर बल्क मॉडुलस, नीचे डेंसिटी और साथ में रो। क्लियर हो गया, ये चीज समझ लग गया। ये पहला न्यूमेरिकल फॉर अ स्टील रोड, द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज, आपको यंग मॉडुलस गिवन है 2.9 × 10⁻¹⁰ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको डेंसिटी गिवन है 8 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन स्टील रोड, कौन सी वेव बोली है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव पूछी है, वो भी सॉलिड में पूछी है। तो क्या फॉर्मूला था, यंग मॉडुलस बाय डेंसिटी का रूट। तो यहाँ पे वैल्यूज को करिए पुट, 2.9 × 10⁻¹⁰ बाय 8 × 10⁻³। आंसर आएगा 6.02 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ठीक है, नाउ बच्चे लुक एट दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पे प्रेशर गिवन है, एट अ प्रेशर ऑफ 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम स्ट्रेन ऑफ वॉटर इज 5 × 10⁻⁵। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन गिवन है, मतलब आपको डीवी बाय वी की वैल्यू गिवन है कितनी, 5 × 10⁻⁵। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन वॉटर, वॉटर इज फ्लूड, तो फ्लूड में आपने साउंड की स्पीड करनी है, साउंड इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो क्या फॉर्मूला आएगा, वी इज इक्वल टू रूट बी बाय डेंसिटी। यही चीज आएगी ना, बी इज योर बल्क मॉडुलस, के भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बल्क मॉडुलस पहले आपको निकालना पड़ेगा, डेंसिटी तो गिवन है सीधा, डेंसिटी कितनी है, 10³ kg पर मीटर क्यूब। तो बल्क मॉडुलस कैसे निकलेगा, ऊपर क्या होता है प्रेशर, नीचे क्या होता है चेंज इन वॉल्यूम। नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है, नेगेटिव तो सिर्फ क्या होता है कि आंसर नेगेटिव ना है इसलिए आगे नेगेटिव लगा देते हैं, हमारा तो चेंज पॉजिटिव में ही गिवन है, तो हम नेगेटिव यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ वैल्यूज को पुट करिए, 10⁵, नीचे कितना आ गया, 5 × 10⁻⁵। डेंसिटी आपके पास है, बल्क मॉडुलस आपके पास है, यहाँ पे सारी वैल्यूज को कर दो पुट, तो यहाँ पे 10⁵ ये ऊपर चला जाएगा, 10⁵ + 5 नीचे आ गया 5, डेंसिटी कितनी है 10⁻³, इसको सॉल्व करिए और फाइनल आंसर बताइए। तो फाइनल आंसर आएगा 1.414 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, यहां पे आपको स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पूछी है, तो डायरेक्ट उसने एयर बोल दिया। ठीक है, उसके बाद एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी पे बोला गया है बाय यूजिंग न्यूटन फॉर्मूला एंड लैपलेस फॉर्मूला, दोनों बोले, अगर कोई ना बोलता तो हम कौन सा यूज करते, लैपलेस, क्योंकि वो सही है। इसने जो बोला दोनों से निकालो, तो दोनों से कैलकुलेट करना पड़ेगा। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एयर आपको गिवन है। अब आपको पता है कि लैपलेस, पहले न्यूटन की बात करते हैं, न्यूटन के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी थी वो किसके इक्वल थी, पी बाय रो के, यही था ना, बल्क मॉडुलस प्रेशर के इक्वल आ गया था, तो पी बाय रो। अब पी कितना है, एसटीपी पे पी तो आपको पता ही है, पी कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक, 1 एटमॉस्फेरिक का मतलब 1.013 × 10⁻⁵ पास्कल। व्हाट अबाउट डेंसिटी बच्चों, डेंसिटी एयर की कैसे निकलेगी, तो डेंसिटी के लिए देखो उसने आपको 1 मोल ऑफ एयर का मास दिया है, तो डेंसिटी आप निकालोगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एयर बच्चों। तो देखो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एयर कितना है, 29 × 10⁻³⁰, और 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होती है बताओ,
22.4 liters. मीटर क्यूब में करना है तो 10 रेज टू पावर कितनी आ जाएगी, -3 बच्चों. तो यहां से डेंसिटी निकल गई, ये प्रेशर है, पुट करो वैल्यूज, फटाफट मुझे आंसर बताइए. इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 280 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड लैपलेस की. तो लैपलेस ने एक चेंज कर दिया था, इसमें फॉर्मूला बन गया था गामा पी बाय रो. गामा एयर की आपको वैल्यू पता है कितनी होती है, 7/5. प्रेशर आपको पता है 1 atm, और डेंसिटी वही वाली सेम रहेगी. ठीक है, ये तीनों वैल्यूज को यहां पुट करिए और बताइए कितना आंसर आया. बस चेंज क्या है, एक गामा मल्टीप्लाई हो गया बस अंदर. ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर नियर अबाउट 330.3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, जैसे पीछे हमने सॉल्व किया. ठीक है, तो याद रखना फॉर्मूले में बस चेंज क्या आता है, गामा मल्टीप्लाई हो जाता है रूट के अंदर फॉर द लैपलेस. ठीक है, लैपलेस के अकॉर्डिंग गामा आएगा क्योंकि एडियाबेटिक के अकॉर्डिंग जो है साउंड ट्रेवल करती है एयर. क्लियर हो गया ये चीज, नोट कर. अब है बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन गैस. जब साउंड ट्रेवल कर रही है तो उसके स्पीड पे कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिसमें से पहले हम बात करेंगे प्रेशर का. एयर के जो प्रेशर है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है स्पीड ऑफ साउंड पे, तो उसके लिए देखिए स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला आ गया आपके पास गामा पी बाय रो. ये चीज है ना बच्चों. अब आपको पता है कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी. अगर मैं बात करूं कांस्टेंट टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, दिन में टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, तो पीवी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या हो गई, मास अपॉन डेंसिटी. तो ये बन गया मास अपॉन डेंसिटी. उसके बाद देखिए मास भी कांस्टेंट होता है, इसका मतलब पी बाय रो क्या होएगा, कांस्टेंट. तो इसका मतलब व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस डेंसिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, एंड पी बाय रो क्या रह जाता है, कॉन्स्टेंट रह जाता है. ठीक है, तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर When pressure is increasing, उसके साथ डेंसिटी भी बढ़ जाती है और ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाता है, कांस्टेंट. प्रेशर बढ़ा, डेंसिटी बढ़ा, दोनों का ओवरऑल आंसर फिर भी कितना हो गया, सेम. तो यही लिखना है आपने कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस कॉरेस्पॉन्डिंगली डेंसिटी आल्सो इंक्रीजेस, सो दैट रेशियो ऑफ प्रेशर बाय डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. तो हम क्या बोलेंगे, प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड. नोट करिए. नेक्स्ट है बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. तो उसके लिए फिर वही फॉर्मूला हमारा V इज इक्वल टू गामा पी बाय रो बच्चों. अब पीवी इज इक्वल टू आर टी फॉर वन, नंबर ऑफ मोल्स हमने वन कर दिए. ठीक है, तो यहां से देखिए, अब यहां से पी वॉल्यूम को फिर क्या लिख दिया, मास अपॉन डेंसिटी आर टी. P by rho is equal to RT by M. So this is the another formula to calculate speed of light. अगर आपको temperature given हुआ, ठीक है, तो ये formula आ गया. अब यहाँ पे देखिए temperature के velocity क्या आ रही है, directly proportional आ रही है ना directly proportional. तो ये याद रखना, with increase in temperature velocity क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. ठीक है, तो temperature जैसे जैसे बढ़ेगा velocity बढ़ जाएगी. तो temperature अगर increase हुआ तो velocity भी sound की क्या हो जाएगी, increase. Note करिए. देखिए बच्चों, अगर उसने आपको suppose करो ऐसा question है, आपको 0 degree celsius पे velocity given है. ठीक है, कि 0 degree celsius पे velocity is v0. तो this is directly proportional to क्या आ जाएगा, यहां पे 0+273 केल्विन. टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना है ना, 0 degree सेल्सियस पे एट 0 degree सेल्सियस मान लो वेलोसिटी कितनी गिवन है, वी नॉट. और आपसे उसने किसी टी टेम्परेचर पे पूछा, तो एट टी डिग्री सेल्सियस वेलोसिटी हो गई वी टी. वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टी प्लस 273 केल्विन. ये चीज होगा ना. इस फॉर्मूले में टेम्परेचर किसमें है बच्चों, सेल्सियस में है. उसको केल्विन में चेंज करने के लिए हमने क्या कर दिया, 273 के साथ प्लस कर दिया. अब इसकी कर दो बच्चों रेशो. रेशो करते हैं, VT by V naught is equal to क्या आ जाएगा, रूट यहां पे T plus 273 और यहां पे नीचे क्या आ जाएगा, रूट 273. ये चीज आएगा ना. अब कंबाइन कर दे इसको, T plus 273 by 273.
ये चीज हो गई। अब उसके बाद देखिए एलसीएम ब्रेक कर दो, एलसीएम ब्रेक करेंगे तो 273 बाय 273 हो जाएगा 1 बच्चों, टी के नीचे क्या आ जाएगा 273 और पावर कितनी बन गई है 1 बाय 2। बाइनोमियल एक्सपेंशन सीखी हमने, क्या होता था उसमें, ये 1 बाय 2 पावर कहां आ जाती है, आगे आ जाती है। तो आपका वी टी बाय वी नॉट क्या बन जाएगा 1 प्लस हाफ टी बाय 273 बच्चों। 2 इंटू 273 कितना हो गया 1 प्लस टी बाय, ये कितना हो गया 2 3 सा 6 7 2 सा 14 5। सो दिस इज द फॉर्मूला बच्चों, विद दिस फॉर्मूला यू कैन इजिली फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ एयर एट एनी टेम्परेचर टी। बस आपको क्या पता होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया ये चीज। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेलोसिटी पूछ ली और 0 डिग्री सेल्सियस पे गिवन है, आपने ये यूज कर लेना है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं बोलूं 20 डिग्री सेल्सियस पे निकालनी है कितनी वेलोसिटी है, तो आप टी में क्या पुट करोगे 20 या उसको केल्विन में चेंज करोगे? नो, आपको 20 ही पुट करना पड़ेगा, बिकॉज केल्विन में मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया है। टी की वैल्यू किस में थी, सेल्सियस में, मैंने उसको केल्विन में चेंज कर दिया है। तो ये याद रखना कि इस फॉर्मूले को यूज करते वक्त टेम्परेचर आपने किस में लेना है, सेल्सियस में लेना है। तो लिख देते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज टी इन सेल्सियस। समझ लगी ये चीज, इस फॉर्मूले को यूज करते वक्त टेम्परेचर किस में लेना है, सेल्सियस में। और जब आप नॉर्मल ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आपको टेम्परेचर किस में लेना पड़ेगा, केल्विन में लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने चेंज कर दी। ठीक है, चाहे स्मॉल टी लिख रहा हूं चाहे कैपिटल टी, यहां टाइम टू इनका कोई लेना देना नहीं है, यहां टी क्या बता रहा है टेम्परेचर। क्लियर हो गया, नोट। अब थर्ड है बच्चों इफेक्ट ऑफ डेंसिटी फॉर गिवन वैल्यू ऑफ गामा एंड पी। गामा की वैल्यू तो फिक्स होगी, अगर प्रेशर फिक्स हो जाए तो आपकी जो वेलोसिटी है बच्चों वो क्या आ जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगी बच्चों, डेंसिटी आ जाएगी। समझ लग गई ये चीज, ठीक है। तो डेंसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मान लो आपके पास दो गैसेस हैं, दोनों का प्रेशर सेम है, एक की डेंसिटी रो वन है एक की डेंसिटी रो टू है, तो आप क्या लिखोगे, वी वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो वन, वी टू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो टू। तो यहां से वी टू बाय वी वन किसके इक्वल आ गया, डेंसिटीज की क्या हो जाएगी, रेशियो। पर डेंसिटीज क्या होंगे, इनवर्सली है, तो ऊपर कौन सी डेंसिटी आएगी, ऊपर आएगी रो वन, नीचे क्या आएगी रो टू। अब बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, डेंसिटीज की रेशियो जो है वो किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट्स। ये याद रखना कि डेंसिटी, अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट है ना बच्चों फॉर सेम वैल्यू ऑफ पी, डेंसिटीज की रेशियो किसके इक्वल आ जाएगी, मासेस की रेशियो के इक्वल आ जाएगी। इज इट क्लियर। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूं मुझे ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस की वेलोसिटी की रेशियो बताइए, तो आप क्या बोलोगे, ऊपर अगर ऑक्सीजन नीचे अगर हाइड्रोजन, तो क्या आ जाएगा वो रेशियो ऑफ, ऊपर डेंसिटी किसकी हाइड्रोजन की, नीचे डेंसिटी किसकी आ जाएगी ऑक्सीजन की। अब डेंसिटी तो पता नहीं है, मैंने क्या बोला डेंसिटीज की रेशियो किसके इक्वल होती है, मॉलिक्यूलर वेट के रेशियो के। तो यहां पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2, H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 2 और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32, तो कितना आ गया 1/16, तो कितना आ गया 1/4 बच्चों। समझ लगी ये चीज। तो अगर आपसे कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ गया ना, तो ये याद रखना डेंसिटीज की रेशियो, रेशियो बोल रहा हूं, उनकी रेशियो किसके इक्वल हो जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट के रेशियो के इक्वल हो जाएगी। इज इट क्लियर बच्चों, नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट है, देखो अगर मॉइस्ट एयर की बात करें, मॉइस्ट एयर का मतलब क्या है कि एयर में कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल। अब बच्चे आपको पता होना चाहिए कि वाटर मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू किसके, एयर मॉलिक्यूल के। एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, वाटर मॉलिक्यूल की डेंसिटी क्या होती है, कम। तो जब एयर मॉइस्ट हो जाती है तो ओवरऑल डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मॉइस्ट एयर की डेंसिटी जो है बच्चों वो क्या हो जाती, कम हो जाती है। और आपको पता है वेलोसिटी जो है वो डेंसिटी के क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी मॉइस्ट एयर में, वेलोसिटी मॉइस्ट एयर में साउंड की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
तो जब आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है बच्चों, बारिश होके हटी हो और आपको साउंड बहुत ज्यादा सुनाई देती है, ट्रैफिक में हॉर्न्स की आवाज बहुत ज्यादा सुनाई देती है, बहुत जल्दी सुनाई देती है, क्योंकि तब मॉइस्ट एयर हुई होती है। मॉइस्ट एयर में स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी ट्रेवल करती है। समझ लगी ये चीज, तो नोट करिए। अब नेक्स्ट देखिए अफेक्ट ऑफ विंड। विंड का भी बहुत अफेक्ट है बच्चों। अगर साउंड इस तरफ ट्रेवल कर रही है और मान लीजिए आपकी जो विंड है बच्चों, वो विंड भी जो है इस तरफ ट्रेवल कर रही है, विंड की वेलोसिटी हमने W ले ली और साउंड की वेलोसिटी हमने क्या ले ली, V ले ली। तो अगर आपकी साउंड बच्चों विंड की डायरेक्शन में मूव कर रही है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो हो जाएगी ना बच्चों, वो क्या हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटीज एड हो जाएंगी। मतलब अब स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ विंड है तो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन रिजल्टेंट वेलोसिटी V प्लस W। V इज वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड W इज वेलोसिटी ऑफ विंड। अगर वही बच्चों मैं बोलूं डायरेक्शन इस तरफ है, साउंड इधर है, हवा इस तरफ आ रही है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट हो जाएगा V माइनस W। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड में से वेलोसिटी ऑफ विंड क्या करनी पड़ेगी, माइनस। अब अगर मैं बोलूं यहां पे चल रही है हमारी साउंड इस तरफ और विंड चल रही है हमारी इस तरफ, ये चीज, तो अब बताइए रिजल्टेंट। तो अब आप क्या करोगे, ये थीटा एंगल आ गया, यहां पे थीटा आ गया, तो इसका इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आ गया, विंड का। विंड की वेलोसिटी को W ले रहे हैं तो W ले लेते हैं, तो विंड का इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आ गया, W cos थीटा। तो इसकी डायरेक्शन में है ना ये कंपोनेंट बच्चों, तो रिजल्टेंट जो आएगा इस केस में वो क्या आ जाएगा, V plus W cos थीटा बच्चों। तो ये याद रखना, ठीक है बच्चों, समझ लगी ये चीज। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। साउंड वेव की एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी से उसकी वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये याद रखना, इन दोनों का नो अफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड बच्चों। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग, इज इट क्लियर। तो यहां पे हमारे फैक्टर्स खत्म होते हैं, अब बढ़ेंगे इनके न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस टू दैट इन हीलियम गैस एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम बोलना है, और हीलियम और हाइड्रोजन की गामा की वैल्यू आपको गिवन है, ये नहीं भी गिवन हो सकती है, पर आपको पता है हीलियम कौन सी है, मोनोटॉमिक, तो 5/3, और हाइड्रोजन कौन सी है, डायटॉमिक, तो कितनी होती है, 7/5। ठीक है, अब सेम टेम्परेचर बोलना है तो हम टेम्परेचर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, हमें पता है साउंड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, गामा पी बाय रो था, दूसरा फॉर्मूला क्या था, गामा आर टी बाय एन, ये था ना दूसरा फॉर्मूला। मैंने ये फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि टेम्परेचर दोनों का क्या है बच्चों, सेम। ठीक है, तो आप देखिए वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन बाय वेलोसिटी ऑफ हीलियम की रेशियो निकालनी है, तो देखिए ऊपर आ जाएगा गामा, गामा की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी है, 7/5, सीधी वैल्यू पुट कर देते हैं 7/5। आर तो दोनों के लिए सेम है, टी दोनों के लिए सेम है, और यहां पे अगर मास की बात करें बच्चों तो हाइड्रोजन गैस का मास कितना है, 2, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है ना आपको, एम इज मॉलिक्यूलर वेट, तो 2 आ गया। सिमिलरली नीचे हीलियम की बात करें तो कितना आ जाएगा, गामा की वैल्यू 5/3, आर टी, और नीचे आपको मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन है, 4। यहां पे कंबाइन कर दीजिए, कंबाइन करेंगे तो देखो 7 RT/5 2 10 / 5 RT/4 3 12। ये आरटी से आरटी बच्चों कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, 7/10 × 12/5 बच्चों। आप इसको फर्दर सॉल्व करना, सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगी, इनकी रेशियो मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लो फटाफट और आंसर लिखो। तो कितना आया फाइनल आंसर, 1.29, ये आ गई रेशियो। ठीक है बच्चों, समझ लग गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज 16:14। तो ऑक्सीजन की डेंसिटी और नाइट्रोजन की डेंसिटी आपको गिवन है 16/14। एट व्हाट टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू इट्स स्पीड इन नाइट्रोजन। आपको यह बोला गया है कि किस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ ऑक्सीजन जो है दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ नाइट्रोजन एट 17°C। तो बताओ ऑक्सीजन की स्पीड किस टेम्परेचर पे नाइट्रोजन की 17°C वाली स्पीड के इक्वल हो जाएगी, 14 डिग्री सर।
ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम नाइट्रोजन की 14 डिग्री वाली स्पीड लिख देते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन की 14 डिग्री वाली होगी, टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हमने गामा आर टी बाई एम वाला फॉर्मूला लगाया, तो गामा एस एच आर की जगह भी आर को रहने दो, टेम्परेचर की जगह 14 है, सेल्सियस में नहीं लेना, किसमें लेना है, केल्विन में। तो 14 प्लस 273 कितना हो गया, जल्दी 14 प्लस 273 287 नीचे आ गया इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ये आ गया नाइट्रोजन का N, ये चीज हमने लिखी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हमने बात करनी है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की किसी T टेम्परेचर पे कितनी होगी, गामा आर टी बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ये चीज आ गई। आपको रेशियोज गिवन है ना, ये चीज आपको ये भी पता है कि डेंसिटीज की रेशियो और मॉलिक्यूलर वेट की रेशियो क्या होती है, सेम। मतलब MO2 बाय MN2 कितना है, 16 बाय 14। बच्चों अब देखिए कैसे निकलेगा, शांति शांति, बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए, लास्ट बेंचेस आवाज नहीं चाहिए, ये तो क्लास से दफा हो जाओ, या वैल्यूज को पुट कर दो, गामा आर टी बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, यहां गामा आर टी बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, ये चीज आ गई। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दोगे तो गामा आर टी बाय दिस इक्वल टू गामा आर, यहां पे टेम्परेचर की जगह कितना था, 287 बाय एम एन, ये चीज आ गई। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही कौन सी गैसेज है, डायटोमिक, तो दोनों की गामा की वैल्यू सेम है, आर की वैल्यू सेम है, तो यहां से टी क्या आ गया, 287 इंटू MO2 बाय MN2, और ये आपको रेशो गिवन है, MO2 बाय MN2 की रेशो कितनी है, 16 बाय 14। इसको सॉल्व करिए, फाइनल आंसर आ गया केल्विन में, करिए सॉल्व फटाफट, कितना टेम्परेचर आ रहा है, कितना 328 केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर एट एसटीपी इज 332 मीटर पर सेकंड, ये तो हमें पता ही। अज्यूमिंग एयर एज कंपोज्ड ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, इसका क्या मतलब हुआ कि ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम है बच्चों वो कितनी है, 1 पार्ट मतलब 1x, और अगर बात करें हम नाइट्रोजन की तो वो कितनी है, 4x पार्ट का, ये मतलब है। उसको 1x कर दिया, दूसरे को कितना कर दिया, 4x, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, 5x, ठीक है। अब उसके बाद उसने ये बोला, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन अंडर सिमिलर कंडीशंस। सिमिलर कंडीशन मतलब एसटीपी पे ही ऑक्सीजन की वेलोसिटी निकालनी है आपने, व्हेन द डेंसिटीज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट एसटीपी आर इन रेशियो, आपको ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की डेंसिटीज की रेशियो गिवन है 16 बाय 14। बच्चों अब जरा ध्यान से समझना, आपको किसकी वेलोसिटी पूछी है, उसने ऑक्सीजन की वेलोसिटी पूछी है, सिमिलर कंडीशंस है मतलब प्रेशर टेम्परेचर क्या है, सेम, और आपको डेंसिटीज की रेशियो गिवन है। अब देखिए बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन बाय वेलोसिटी ऑफ मिक्सचर, एयर तो मिक्सचर है ना, किस किस का मिक्सचर बोला उसने, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो इनकी जो रेशियोज होंगी आपको ये पता है, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी का रूट, है ना। तो यहां पे इनकी रेशियो किसके इक्वल हो जाएगी, रूट ऑफ, ऊपर डेंसिटी किसकी आएगी मिक्सचर की, नीचे डेंसिटी किसकी आएगी ऑक्सीजन, यही चीज होगा ना। अब देखिए यहां पे मैंने इसको डायरेक्ट में निकाल नहीं सकता था, डायरेक्ट में इसलिए निकाल सकता था, मुझे पता ही नहीं था कि ऑक्सीजन की अगर डायरेक्ट निकालने को बोला है तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, गामा पी बाय रो, ये लगाओगे ना। अब डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन तो पता ही नहीं, पता है रेशियो पता है हमें, डायरेक्ट तो पता ही नहीं, तो डायरेक्ट पता ही नहीं तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से ऑक्सीजन की वेलोसिटी निकाल ही नहीं सकते थे, इसलिए मुझे रेशियो ही लेनी पड़ी। और अगर रेशियो में आप बोलोगे सर कि हमें तो डेंसिटी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की रेशियो में है, तो हमने रेशियो में नीचे नाइट्रोजन क्यों नहीं लिया, हमें कौन सा नाइट्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, हमें किसमें गिवन है, एयर में गिवन है, और एयर क्या बोल रही है उसने, मिक्सचर, तो हमें वेलोसिटी मिक्सचर में गिवन है, कितनी है मिक्सचर में वेलोसिटी, 332 मीटर पर सेकंड, इसलिए मुझे मिक्सचर के साथ ही रेशियो लेनी पड़ी। अब आगे बढ़ने से पहले यू नीड टू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, आपको मिक्सचर की डेंसिटी चाहिए, मिक्सचर की डेंसिटी कैसे निकलेगी वो देखो, मिक्सचर की डेंसिटी होगी ऊपर आएगा टोटल मास ऑफ मिक्सचर, नीचे आएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर,
यही आएगा ना। तो ऊपर टोटल मास में देखिए, यहां पे आएगा मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितनी है? 1x प्लस 4x 5x। ये चीज आ गई। क्या आपके पास ऑक्सीजन का मास है कितना है उसमें? मॉलिक्यूलर मास नहीं है ये टोटल मास, मतलब उसमें कितना प्रेजेंट है। तो हमें तो पता ही नहीं ऑक्सीजन का कितना मास है। अब मास नहीं पता, मास को डेंसिटी इंटू क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम। तो मैं यहां पे ऑक्सीजन के मास को लिखूंगा डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विच इज 1x। तो यहां पे आ गया 1x प्लस नाइट्रोजन के मास को लिखेंगे डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इंटू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 4x डिवाइडेड बाय क्या आ गया बच्चों? 5x। क्या ये चीज क्लियर हो गई? समझ लग गया ये चीज? यहां से क्या निकल रहा है? डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ये चीज आ गई। अब उसके बाद देखिए, ऊपर से एक्स एक्स कॉमन निकल के नीचे x के साथ कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा? डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन प्लस डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इंटू 4/5। ये चीज बची, समझ लग गया। आपको क्या चाहिए? आपको रेशियो चाहिए मिक्सचर बाय डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं क्या करने लगा हूं डायरेक्ट आंसर के लिए, यहां से मैंने देखो इस स्टेप को यहां पे लिख रहा हूं, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू, मैंने यहां से डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन कॉमन निकाल दी ताकि वो अगले स्टेप में नीचे जाके डिवाइड हो जाए और मुझे डायरेक्ट इसकी वैल्यू मिल जाए। तो मैंने डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन कॉमन निकाला, यहां क्या बच गया? 1। यहां पे क्या बचेगा? 4 इंटू डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन बाय डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसके पास मल्टीप्लाई में नहीं था ना, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड कर दिया। और नीचे क्या है आपके पास? नीचे ओवर में क्या है आपके पास? 5। तो उसको मैंने कहां लिख दिया? बाहर लिख दिया। क्या इतनी चीज समझ लग गई? अब नोट करो पहले इतना, फिर आगे करवा। अब यहां पे देखिए डेंसिटी मिक्सचर की, ये जो ऑक्सीजन की डेंसिटी नीचे डिवाइड हो जाएगी, हमारे पास डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी ना, और इक्वल टू 1/5 1+4 इंटू डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन बाय डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। रेशियो गिवन है ना, कितनी है? 16/14। तो यहां पे सीधी वैल्यू 16/14, ये चीज आ गई। ऑक्सीजन बाय नाइट्रोजन, यस, यहां पे आएगा 14, यहां पे आएगा 16, शाबाश, ठीक है, ये चीज आ गई। अब ये 4 का हो गया 16, कितना आ गया ये सॉल्व करके? 1/5 इंटू यहां पे 14+14 9/10 आ गया। नहीं, पूरा सॉल्व करके, पूरा सॉल्व करके आ गया आपके पास 9/10। ये चीज आ गई, मतलब 0.9। तो आप ये वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, डायरेक्ट सीधी कितनी आ गई? 0.9। अब 0.9 का रूट निकालना जरा कितना होता है, फटाफट जल्दी जल्दी, 0.948, बहुत है। तो ये याद रखना, 0.9 का रूट 0.9 समथिंग ही आता है, ठीक है, ये मत सोचना ये गलत हो गया, 0.9 का रूट 0.9 ही आ गया, इतना ही आता है ये। तो यहां से V ऑक्सीजन कितनी आ गई? 0.948 इंटू V मिक्सचर, और 0.948 इंटू V मिक्सचर कितना था हमारा? 332। इसको करो मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। निकालना कितना आया फाइनल आंसर? 314.77। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना। सही है, दिमाग की बंदा। चलो ठीक है, ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त। अब अगला लेक्चर करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड।